कहते हैं राजनीति एक दलदल है, जो इसमें एक बार उतर गया वो फिर बाहर नहीं आ सकता। हालांकि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें तमाम राजनेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर देखना होता है। बुधवार को पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी की सुरक्षा में जो सेंध लगी, उसके बाद से ही हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है। बीजेपी नेता तो पंजाब की कांग्रेस सरकार को इस पर घेर ही रहे हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर पीएम का साथ दिया है। खुद सोनिया गांधी ने कह दिया कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और राजनीति से ऊपर उठकर बयान दिया, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। एक तरफ पूरा देश इस मुद्दे पर पीएम का समर्थन कर रहा है, तो वहीं कुछ एक तबके ऐसे भी हैं जो राजनेता ना होते हुए भी राजनीति कर रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल होते हैं खुद को कॉमेडियन बताने वाले कुणाल कामरा। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर जिस तरह से कुणाल चुटकी ले रहे हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि यहां कॉमेडी नहीं चल रही है। हालांकि कुणाल को बहुत जल्द ही ये बात सोशल मीडिया यूजर्स ने समझा दी। जी हां, कुणाल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए जो पोस्ट किया, उस पर लोगों ने उनकी कैसे क्लास लगाई थी, ये तो हमने आपको दिखाया ही था। लेकिन बाज ना आने वाले कुणाल ने जब सेना के जवानों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा, तो लोगों ने उन्हें आईना दिखा दिया। दरअसल कुणाल कामरा ने लिखा, हमारे जवान हमारे लिए सीमा पर खड़े हैं और आप 15 से 20 मिनट ट्रैफिक में खड़े नहीं हो सकते। बस कामरा का ये ट्वीट आना था और लोगों ने उनकी ऐसी क्लास लगाई कि वो शायद जिंदगी भर ना भूलें। एक यूजर ने लिखा, ओ गधे, वो पीएम है, नॉर्मल आदमी नहीं, और तू सेना के जवान पर ज्ञान मत दे। जब कोई जवान छुट्टी पर जाता है तो तुम जैसे लोग उसके लिए ट्रेन में सीट भी नहीं छोड़ते हो। बकवास कर रहा है, जवानों को राजनीति में मत घसीटो। एक यूजर ने लिखा, कामरा इज अ लेफ्ट विंग चापलूस एंड नॉट अ कॉमेडियन, वी ऑल नो दैट। गौरव नाम के यूजर ने लिखा, थोड़ी देर पहले ही तुमने ट्वीट किया था चाइनीज इंडिया में आ गए हैं, जो कि हमारे जवानों का सीधे तौर पर अपमान है। अब तू मोदी को नीचा दिखाने के लिए जवानों की साइड ले रहा है, तेरा कोई दीन ईमान है या नहीं। एक यूजर ने कामरा के लिए लिखा, तुम्हारे 15-20 मिनट सिर्फ 2 रुपए के बराबर हैं। शायद तुम्हारे अकाउंट में ये ट्वीट करने के बाद पैसे आ भी गए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो अपने आका से जाकर मांगो। एक और यूजर ने लिखा, भाई वो विले नहीं है तुम्हारी तरह, हर मिनट कीमती है। एक और यूजर ने लिखा, अगर आज नरेंद्र मोदी जी को एक खरोंच भी आ जाती तो तांडव होता, भूलना मत मोदी जी हम हिंदुस्तानियों के सिर का ताज हैं, जय श्री राम। वैसे इससे पहले कुणाल कामरा ने ट्वीट किया था और लिखा था, अगर कोई भारत में असुरक्षित महसूस करता है तो उसे पाकिस्तान जाना चाहिए, ये बॉलीवुड अभिनेता और उसकी पत्नी। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा था, अर्नब का कहना है कि चीन आज हमारे प्रधानमंत्री के साथ हुए सुरक्षा उल्लंघन से बहुत खुश होगा, जबकि चीनी भारत में है। हद तो तब हो गई थी जब कुणाल कामरा ने लिखा था, सुरक्षा कारण के लिए आपका शो रद्द हो गया, बहुत ही आश्चर्यजनक, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री पर कुणाल कामरा का इस तरह से तंज कसना लोगों को पसंद नहीं आया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।